ऊना में भूतपूर्व सैनिकों ने एक सुर में कांग्रेस के घोषणा पत्र में राजद्रोह कानून हटाए जाने का विरोध करते हुए इस पर नाराजगी व्यक्त की है। उन्होंने इसे सेना को दबाने वाला कदम बताया है। उन्होंने एक बैठक कर सभी राजनीतिक दलों से सैनिकों संबंधी निर्णयों से पूर्व उनसे विचार विमर्श किए जाने का अनुरोध किया है। हमीरपुर संसदीय क्षेत्र में 60,000 से अधिक भूतपूर्व सैनिक परिवार जीत हार में अहम रोल निभाते हैं। इन भूतपूर्व सैनिकों ने वन रैंक वन पेंशन के क्रियान्वयन से संतुष्टि व्यक्त करते हुए इसे पूर्णतः लागू किए जाने की बात कही है। ऊना में भूतपूर्व सैनिकों ने एक संयुक्त बैठक कर देश के तमाम राजनीतिक दलों से सैनिकों के हितों संबंधी निर्णय लिए जाने से पूर्व उनसे विचार विमर्श किए जाने का अनुरोध किया। इस दौरान सभी भूतपूर्व सैनिकों ने कांग्रेस पार्टी के घोषणा पत्र में राजद्रोह कानून के हटाए जाने पर नाराजगी जाहिर करते हुए इसका विरोध किया। उन्होंने इसे सेना को दबाने वाला और देश द्रोहियों को बढ़ावा देने वाला कदम बताया है। गौरतलब है कि ऊना में 15,112, हमीरपुर में 28,222, बिलासपुर में 10,560, देहरा में करीब 5,000 और धर्मपुर में करीब 2,000 भूतपूर्व सैनिकों सहित पूरे हमीरपुर संसदीय क्षेत्र में 60,000 से अधिक भूतपूर्व सैनिक और उनके परिवार हैं। जाहिर है कि ये चुनाव परिणाम में बेहद अहम रोल निभाते हैं और जीत हार को तय करने में विशेष भूमिका निभाते हैं। लेकिन मोदी सरकार द्वारा वन रैंक वन पेंशन के क्रियान्वयन से इन भूतपूर्व सैनिकों ने बेहतर बताते हुए इस पर संतुष्टि व्यक्त की, लेकिन साथ ही इसे पूर्णतः लागू किए जाने की बात कही। हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से बीजेपी प्रत्याशी अनुराग ठाकुर ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। नामांकन पत्र दाखिल करने से पहले अनुराग ठाकुर ने भोटा चौक से रैली स्थल गांधी चौक तक खुली जीप में पहुंचे। अनुराग ठाकुर के साथ मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, पूर्व सीएम प्रेम कुमार धूमल, प्रदेशाध्यक्ष सतपाल सत्ती भी खुली जीप में पूरे बाजार से होते हुए गांधी चौक पहुंचे, जहां रास्ते में लोगों ने फूल बरसाकर अनुराग ठाकुर का अभिनंदन किया। इस अवसर पर गांधी चौक पर सांसद शांता कुमार के अलावा बीजेपी के वरिष्ठ नेता भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि इस बार जीत का मार्जिन बहुत बढ़ेगा और बीजेपी की रैली को देखकर लग रहा है कि जीत सुनिश्चित है। उन्होंने कहा कि देश में माहौल भी मोदी का ही बना हुआ है। वहीं सीएम ने नेताओं के भाषणों पर कहा कि नेताओं को अपनी जुबान पर संयम बरतना चाहिए ताकि बाद में माहौल खराब ना हो। नामांकन दाखिल करने के बाद अनुराग ठाकुर ने कहा कि आज की रैली से लगता है कि पहले से बड़ी जीत होगी। साथ ही अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस को रेल मुद्दे को लेकर बयानबाजी करने पर कहा कि कांग्रेस खुद ही अपने मुद्दों पर गिर रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने अपने समय में नशों को बढ़ावा दिया तो बीजेपी ने खेलों को बढ़ावा दिया है। गत दिवस कांग्रेस की रैली पर अनुराग ने कहा कि कांग्रेसी रैली में बंटी हुई कांग्रेस नजर आ रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने अपने मंच से अपनी स्थिति दिखाई और जनता ने आकलन भी किया है। उन्होंने कहा कि मोदी लहर चली हुई है और हिमाचल की चारों सीटों को जीतने के लिए वोटर तैयार हैं। बीजेपी से सुरेश चंदेल के कांग्रेस में जाने पर अनुराग ठाकुर ने कहा कि आज पार्टी कार्यकर्ताओं के बल पर है और बीजेपी कार्यकर्ताओं की पार्टी है। उन्होंने कहा कि बीजेपी के इतिहास में बड़े बड़े नेता भी कार्यकर्ताओं के बिना कुछ नहीं रहे हैं। कांगड़ा चंबा संसदीय सीट से बीजेपी प्रत्याशी कृष्ण कपूर ने धर्मशाला में जिला निर्वाचन अधिकारी के समक्ष अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। इस अवसर पर उनके साथ स्वास्थ्य मंत्री विपिन परमार, शहरी विकास मंत्री शरबीन चौधरी, विधानसभा उपाध्यक्ष हंसराज सहित तमाम विधायक उपस्थित रहे।
नामांकन के उपरांत पत्रकारों से बातचीत करते हुए किशन कपूर ने कहा कि भाजपा चुनाव प्रचार में कांग्रेस से बहुत आगे है और भाजपा प्रदेश की चारों लोकसभा सीटों पर बड़ी जीत दर्ज करेगी। उन्होंने कहा कि चुनावों को लेकर लोगों में भारी उत्साह है और 5 वर्षों तक केंद्र की मोदी सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं से लोगों को लाभ पहुंचा है। उन्होंने कहा कि केंद्र और प्रदेश सरकार ने गरीबों के लिए अनेक योजनाएं शुरू की हैं। किशन कपूर ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस सरकारें विकास करवाने में नाकाम रही हैं। कपूर ने कहा कि कांगड़ा चंबा में वोटों के हिसाब से इस बार इतिहास रचा जाएगा और बड़ी जीत दर्ज करेंगे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस उधार के उम्मीदवार लेकर चुनाव में उतर रही है, जिससे उसे कोई फायदा नहीं होगा। कांग्रेस द्वारा भाजपा राज्य अध्यक्ष सतपाल सत्ती की विवादित टिप्पणियों के आरोप में कपूर ने कहा कि भाजपा में कोई बकलाहट नहीं है, बल्कि कांग्रेस खुद बकलाई हुई है और उसके नेता 5 वर्ष तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गालियां देते रहे, जिसका जवाब जनता उन्हें लोकसभा चुनावों में देने जा रही है।